हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बनाने जा रही हूँ। आज हम लोग जा रहे हैं शिव सागर पे घूमने के लिए और मेरे दोस्त है, तीन लोग हम जा रहे हैं। अभी मैं रेडी होने वाली हूँ जाने के लिए। अभी रात का बज रहा है 9:30, मैं अभी रेडी होने वाली हूँ। फाइनली मैं अभी रेडी हो गई हूँ, हम लोग अभी जाने के लिए तैयार। और मेरा दोस्त लोग के घर में जाने वाली हूँ मैं अभी। वो हमने कार रिजर्व किया है स्टेशन तक, क्योंकि रात का 12 बजे है ट्रेन। तो घर से मैंने सबको बोल लिया है बाय, अभी हम लोग निकलने वाले हैं। सो मेरे यहाँ पे छोटा छोटा चिड़िया का बच्चा बाय बोल दिया। मैं मानू को घर में पहुंच गई, वो रेडी हो रहे हैं। देखिए अंधेरा अंधेरा रहा चेहरा। सो अभी फिर से जुनमुनी है, उसको कॉल करने वाली हूँ। वो बहुत लेट कर रहे हैं, तभी इसको कॉल करते उसके बाद ही आपको दिखाऊंगे। सो फाइनली हम लोग ट्रेन में चढ़ गए। बहुत मतलब इतना झंझट हो रहा था यहाँ से वहाँ ट्रेन ढूंढने में। सो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में आ गए और वहाँ मेरा दोस्त, हम सब जा रहे हैं। तो देखते हैं, कल सुबह मिलते हैं। बाय बाय, पहुँचते देखते हैं। और डिब्रूगढ़ में जाके फिर से ट्रेन चेंज करना है हम लोगों को। 5:20 जैसे को पहुँच जाऊँगी शायद, और उसके बाद फिर 7 o'clock से सागर तक ट्रेन है। हमारा जर्नी सब अच्छा रहे, मिस करती हूँ। तो बने रहे मेरे साथ मेरे वीडियो में। साइड वो सो फाइनल हम लोग उतर गए हैं ट्रेन से डिब्रूगढ़। अभी टिकट करना है फिर से शिव सागर के लिए। सो देखते हैं इधर है। टिकट काउंटर किधर है अभी ढूंढना पड़ेगा। चलो देखते करके फ्रेश हो गई है। अभी हम लोग डिब्रूगढ़ स्टेशन में रुका है अभी शिव सागर जाने के लिए। तो वो 7 o'clock में आने वाला है, इसके लिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। लेट्स सी कब आता है। इसका फेस देखो खिला खिला लग रहा है। अभी हम उतरने वाले हैं शिव सागर में, पहुंच गए ভাল লাগছে। एक जगह एक्सप्लोर करने वाली हूँ। हमारा हिंदू का टेम्पल सागर में देखने है। वो देखिए दिखा दो। और ये है इधर पॉइंट।
काम करने के लिए जा रहे हैं बेंगलोर में, गोवा में। बर्फ प्रिया सुन लेना, बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर हवा बहुत आ रहा है और अच्छा लग रहा है ना, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये देखिए लोग फंस गए हमने एक्स वाई जेड कर किधर से जाते हैं एंट्री गेट कौन पे हम एंट्री गेट नो एंट्री डिसाइड ये देखिए मंदिर बहुत ही बड़ा है और बहुत ही सुंदर है। इट्स ओल्डेस्ट मंदिर बोल सकते हैं इसको, हमारा आहोम के टाइम का शिव सागर, मतलब बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है ये। जो भी आया है उसको पता होगा। ये है बहुत ही बड़ा तालाब है, तालाब अभी याद आया मुझे, बर्ड पुखरी जो ऐसे में इसमें बोलते पुखरी। इसका जो इसका सामने बैठने से बहुत ही अच्छा हवा आता है और फील तो बहुत ही अच्छा लगता है। हम लोग एंट्री गेट सुन रहे हैं अंदर जाने के लिए। So we are getting inside the temple. Let's see the view. Wow. So it's mentioned here, welcome to Sivadome. बहुत सारा लोग यहाँ पूजा करने के लिए आते हैं। देखिए वहाँ अगरबत्तियाँ जला रहे और दिया भी जला रहे। तो हम तो बहुत दूर से आए थे, कल ही नहाया था, अभी तक नहाए नहीं, तो आज हम नहीं करने वाले कुछ भी, ऐसे घूम के थोड़ा देख के जाने वाले हैं, तो मन से पूजा करने वाले और ये नंबर वन। तो बहुत ही अच्छा लगा आके, मतलब व्यूज बहुत ही मतलब क्लियर, बहुत ही सुंदर है। देखो पहले का लोग कैसा, क्या सोच के मतलब कैसे बनाता था इतना डिजाइन। ए जो लाइन जाने किनो हाथ बड़े ठुके ने जलम बे एतो का ना हां आइसे जदी
बार डॉल का वीडियो इतना था कि था। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बाय बाय।